नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय यादव और आप देख रहे हैं रेवाड़ी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं रेवाड़ी जिले की प्रसिद्ध हस्तियों के बारे में, फेमस पर्सनैलिटीज के बारे में कि इनका देश में हरियाणा में क्या योगदान रहा, इन्होंने क्या कार्य किए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले नंबर पर आते हैं राव तुलाराम जी, जिन्हें रेवाड़ी के सरदार अहिरवाल नरेश, रेवाड़ी नरेश भी कहा जाता था। इनका नाम आपने पहले सुना ही होगा, इनके नाम पर रेवाड़ी में राव तुलाराम स्टेडियम भी है। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। राव तुलाराम जी 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेताओं में से एक थे। हरियाणा राज्य में इन्हें राजनायक भी माना जाता है। राव तुलाराम जी का जन्म 9 दिसंबर 1825 को रेवाड़ी के रामपुरा गांव में हुआ था। राव तुलाराम जी की शिक्षा तब शुरू हुई जब वो 5 साल के थे। उन्हें शस्त्र और घुड़सवारी की शिक्षा भी साथ साथ में दी जा रही थी। राव तुलाराम जी जब 14 वर्ष के थे तब उनके पिता राव पूर्ण सिंह की मृत्यु हो गई थी और उनके बाद उस रियासत का राजा राव तुलाराम को चुना गया था। राव तुलाराम का राज्य कणीणा, बावल, फरूखनगर, गुड़गांव और फरीदाबाद तक फैला हुआ था। फिर 17 मई 1857 को इन्होंने रेवाड़ी में 400-500 सैनिकों की मदद से रेवाड़ी में जो भी अंग्रेजों की बिल्डिंग थी उन पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद 16 नवंबर 1857 को राव तुलाराम ने नसीबपुर में, जो कि नारनूल के पास है, वहां पर अंग्रेजों की एक टुकड़ी पर हमला किया और उसमें अंग्रेजों के कई अफसर मारे गए और राव तुलाराम की सेना को जीत मिली। नसीबपुर युद्ध के बाद राव तुलाराम जी घायल हो गए थे और वो अपने इलाज के लिए अफगानिस्तान में गए और वहाँ पर एक बीमारी की फैलने की वजह से उनकी 23 सितंबर 1863 में मृत्यु हो गई। राव तुलाराम जी के सम्मान में 23 दिसंबर 2001 को भारत सरकार ने राव तुलाराम जी की स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया। दूसरे नंबर पर आती हैं संतोष यादव, दुनिया की पहली महिला बनी जिन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई की। आइए जानते हैं इनके बारे में। संतोष यादव का जन्म 10 अक्टूबर 1967 को रेवाड़ी के जोड़ावास गांव में हुआ था। संतोष यादव के 5 भाई थे और ये अकेली बहन थी। इनको बचपन से ही पर्वतारोहण का एक शौक था और उसके बाद इन्होंने अपनी शिक्षा जयपुर के महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज से 1980 में कंप्लीट की। उसके बाद 1986 में वह उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में चली गई थी। उसके बाद उन्होंने माउंट एवरेस्ट की पहली चढ़ाई 12 मई 1992 में की और उसके ठीक एक साल बाद 12 मई 1993 को वह दोबारे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुकी थी। इसी के साथ वह दुनिया की पहली महिला बन चुकी थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की 2 बार चढ़ाई की और 30 मार्च 2000 को उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और 2006 में हरियाणा गवर्नमेंट ने गुड़गांव में उनके नाम पर एक मार्ग रखा गया था और वह आज ITBP में एक ऑफिसर हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं राव इंद्रजीत सिंह। राव इंद्रजीत सिंह भारत के राजनेता हैं। यह भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में एक केंद्रीय मंत्री हैं, यानी कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट स्टैटिस्टिक्स एंड इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम के मिनिस्टर हैं। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। इनका जन्म 11 फरवरी 1950 को रेवाड़ी के रामपुरा गांव में हुआ था। इनके पिता श्री राव बीरेंद्र सिंह हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इन्होंने अपनी पढ़ाई BA और LLB दिल्ली यूनिवर्सिटी से पूरी की थी। अब जानते हैं राव इंद्रजीत का राजनीतिक सफ़र। 1977 में ये पहली बार हरियाणा विधानसभा में चुने गए थे और उसके बाद 1982, 1991 और 2000 में ये विधायक रह चुके हैं। 1986 से 1987 तक वह हरियाणा के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रहे। 1998 में पहली बार उन्होंने महेंद्रगढ़ से लोकसभा के चुनाव लड़े और वहां से वो निर्वाचित हुए और फिर 2004 में उन्होंने 14वीं लोकसभा में फिर चुनाव लड़ा और वह जीते। 2004 से 2006 तक
वह विदेश राज्य मंत्री रहे थे और 2009 में वह तीसरी बार लोकसभा चुनाव के लिए चुने गए और उसके बाद 5 अप्रैल 2014 को उन्होंने लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस छोड़कर उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली। और भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में 16वीं लोकसभा के लिए उनको टिकट दी और वह गुड़गांव क्षेत्र से जीते। राव इंद्रजीत सिंह 1857 के महान क्रांतिकारी राव तुलाराम जी के वंशज हैं। राजनीति में आने से पहले राव इंद्रजीत सिंह एक महान शूटर रहे हैं। वह भारत की टीम में 1990 से 2003 तक भारत की शूटिंग टीम में थे। चौथे नंबर पर आते हैं डॉक्टर ब्रजेंद्र कुमार राव, जिन्हें 2009 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। आइए जानते हैं इनके बारे में। इन्हें मेडिकल साइंस के क्षेत्र में 2009 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इनका जन्म 23 मार्च 1954 को रेवाड़ी के एक गांव माजरा गुरदास में हुआ था। इन्होंने अपने मेडिकल की पढ़ाई MBBS और MD डिग्री दिल्ली के मौलाना आजाद कॉलेज से करी थी और आज के समय में यह दिल्ली के श्री गंगाराम हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं। धन्यवाद। हमारी जानकारी के मुताबिक हमने ये वीडियो बनाया। अगर इनके अलावा कोई प्रसिद्ध व्यक्ति या कोई हस्ती हमसे छूट गई हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उन पर एक अलग वीडियो बनाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल रेवाड़ी ऑफिशियल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं।